गुलबर्गा हफ्त गुमज नेशनल कॉलेज ग्राउंड में पॉलिटिकल अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ, जिसमें खास मेहमान हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत योगेंद्र यादव ने शिरकत कर मौजूदा सियासी हालात पर बारीकी से रोशनी डालते हुए गुलबर्गा शहर के आवाम से अपने वोट का सही इस्तेमाल करने की गुजारिश की है। ये पॉलिटिकल प्रोग्राम अलहाज अर्शुल्ला खान साहब के गाइडेंस पर पारस वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट जुबेरुल्ला खान ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें स्टूडेंट, सोशल एक्टिविस्ट, इंटेलेक्चुअल्स और दीगर कई शहर के जिम्मेदार यहाँ मौजूद थे। योगेंद्र यादव ने कहा, आज से 10 साल पहले रोजगार, 15 लाख और दीगर कई बड़े बड़े वादे कर सत्ता में आई बीजेपी सिवाय हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर और धर्म के नाम पर राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं किया है। आज वक्त की जरूरत है, अपने वोट के जरिए हम फिरका परस्त ताकतों को इख्तदार से दूर रख सकते हैं। योगेंद्र यादव के जरिए बताए गए सियासी हालात को सुन तमाम गेस्ट, स्टूडेंट, सोशल एक्टिविस्ट, इंटेलेक्चुअल्स और स्टूडेंट्स ने प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर जुबेरुल्ला खान को अप्रिसिएट कर कहा, इस तरह के प्रोग्राम से आवाम जरूर बेदार होगी। इस प्रोग्राम में जुबेरुल्ला खान के अलावा खाजी रिजवान सिद्दीकी, जफरुल्ला खान, अब्दुल अजीम, असद अली अंसारी, फादर स्टैनी लोबो, पाशा बेलेगांव, डॉक्टर सिराज, इमरान नवाज खान, एडवोकेट हनुमान दलसंगी और दीगर कई लोग यहां मौजूद थे। जुबेरुल्ला खान ने आखिर में सभी मेहमानों का शिरकत के लिए शुक्रिया अदा किया है। इस प्रोग्राम से जुड़ी मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video presented by Fine Art Designer, exclusive for suits, sherwanis, a complete solution for men's kids for reception, marriage, engagement, ethnic wears, parties, farewell and much more. First branch at Timapuri Chowk, Gulbarga. Second branch at Supermarket Gulbarga. मैं अपने जानिब से और पारस एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से आप सभी का फर्दन फर्दन दिल की अमिया बहरा से सरवा करता हूँ। पॉलिटिकल अवेयरनेस सरवा करने का मकसद बस ये है कि हम लोग जो सोए हुए हैं वो जाग जाए। गुलबर्गा एजुकेशन हब के तौर पर माना जाता है। यहाँ पर हर तंजीम अपने तौर पर बेदारी प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम करते आ रही है और इंशाल्लाह आइंदा करते भी रहेगी। मगर जहां तक योगेंद्र यादव जी का सवाल पैदा होता है, उनको लाने के लिए, उनको यहाँ पर पेश करने के लिए पारस एजुकेशन ट्रस्ट के सदर जनाब जुबेरुल्ला खान ने बड़ी कोशिश करके ये प्रोग्राम यहाँ पर मुनाकिद किया गया है। वैसे इस्तकबाल के लिए बहुत कुछ बोलना है, मगर हम लोग योगेंद्र राजू जी को सुनने के लिए आए हैं, तो मैं पूरा वक्त उन्हीं को देता हूँ कि वो मैं थोड़ा समाधान चाहता हूँ। हम लोग योगेंद्र राजू जी को सुनने के लिए आए हैं, इंशाल्लाह उनका तजुर्बा, उनके मालूमात हमको, शहर गुलबर्गा को वो अपनी अंदाज में अच्छी तरह बेदार करके जाएंगे। वैसे गुलबर्गा एक काबिले कदर लोगों को जन्म दिया है, यहाँ पे कई अशख़ास अपना एक हर फील्ड में मुकाम पैदा कर चुके हैं। सबसे पहले तो मैं पारस एजुकेशनल ट्रस्ट और नेशनल एजुकेशन सोसाइटी का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया एक बार फिर इस शहर में आने का। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, आपने फिर मुझे आने का मौका दिया और खास तौर पे मैं अपनी बात कुछ स्टूडेंट्स के साथ कर सकूं, ये मेरे लिए बहुत एक खास खुसूसी मौका है। आपने मुझे ये मौका फरमाया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात बहुत अजीब लगती है, क्योंकि एक तरफ तो हमें कहा जाता है कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज है, किताबों में बताया जाता है, हर तरफ हमें कहा जाता है कि डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी है, और दूसरी तरफ हमें कहा जाता है कि पॉलिटिक्स बड़ी खराब है। तो फिर मैं पूछता हूं कि भाई ये डेमोक्रेसी क्या बगैर पॉलिटिक्स के चल सकती है क्या? इतनी अच्छी चीज है, बगैर पॉलिटिक्स के चल सकती है? जरा सोचिए, पॉलिटिक्स बगैर डेमोक्रेसी के चल सकती है? रूस में चल रही है, सऊदी अरेबिया में भी चल रही है, जहां डिक्टेटर होते हैं वहां भी चलती है पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स तो बगैर डेमोक्रेसी के चल लेती है, क्या डेमोक्रेसी बगैर पॉलिटिक्स के चल सकती है? नहीं चल सकती।
डेमोक्रेसी का मतलब है लोग अपनी तकलीफ, अपना दुख दर्द, अपने मुद्दों को बयान करेंगे, सामने रखेंगे, और फिर जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं या कुर्सी पे बैठना चाहते हैं वो उन सवालों का, लोगों की दुख तकलीफ का जवाब देंगे। ये बगैर पॉलिटिक्स के कैसे हो सकता है? जब तक कोई खड़ा होके बोलेगा नहीं कि मुझे ये तकलीफ है, अगर बोलने की आजादी ना हुई, अगर किसी को खड़े होके ये कहने की आजादी ना हो कि भाई मैं धरने पे बैठा हूं, हम एक डेमोंस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, ये गलत है, ये सही है, अगर ये कहने की आजादी ना हो तो फिर डेमोक्रेसी कैसे चल सकती है? तो याद रखिएगा, पॉलिटिक्स बगैर डेमोक्रेसी के चल सकती है, लेकिन डेमोक्रेसी कभी भी पॉलिटिक्स के बगैर नहीं चल सकती। जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने क्या वायदा किया था? उन्होंने कहा था कि हर साल मैं 2 करोड़ नौकरियां क्रिएट करूंगा, 2 करोड़। और किया क्या है? पिछले 10 साल में 20 लाख नौकरी कम कर दी है उन्होंने। सरकारी नौकरियां होती थी, सरकार के डिपार्टमेंट खत्म किए जा रहे हैं, डिपार्टमेंट प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, सरकारी नौकरियां जितनी थी पहले से कम की जा रही। जिस स्टेट में मैं जाता हूं लोग कहते हैं 2 साल हो गया कोई नौकरी निकली नहीं है। बच्चे कहते हैं हम कंपटीशन की तैयारी कर करके थक गए, एग्जाम नहीं होता। एग्जाम होता है तो उसका रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट होता आता है तो इंटरव्यू कॉल नहीं आता, इंटरव्यू कॉल आ गया तो उसके बाद फाइनलाइज नहीं करते। और कई स्टेट्स में तो ये हालत है जनाब कि रिजल्ट पक्का आ गया, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया, और अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया तो ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई। ये पूरे देश में हो रहा है। 20 लाख नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर खाली पड़ी हैं और लोग बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं, ये हकीकत है। मैं चाहता हूं आप इसको चेक कीजिएगा। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी जो कि बेंगलोर में है, उसका एक सेंटर जो हर साल एक रिपोर्ट निकालता है, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया, गूगल कीजिएगा इन चीजों, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया करके एक रिपोर्ट निकालते हैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से। हर साल वो कच्चा चिट्ठा लेके आ रहे हैं कि इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट की क्या हालत है। मोदी जी, आप 10 साल के बाद वोट मांगने आए हो, खुशामदीद, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि वो 2 करोड़ नौकरियां साल में जो देनी थी कहां गई? राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद की बात करते हैं, इससे बड़ा देशद्रोह हो नहीं सकता, इससे बड़ी गद्दारी नहीं हो सकती इस देश के साथ। दिन रात ये काम करवाना, दुकान खोल रखी है नफरत की लोगों ने, इलेक्शन कमीशन है बैठ के देखे जा रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री इस देश के 20 करोड़ लोगों को घुसपैठिया बोलता है। घुसपैठिया और कोई छोटा मोटा शब्द नहीं, 20 करोड़ लोगों को तुम बोलते हो। जिन लोगों के पुरखों ने, जिनकी 7 पीढ़ियां छोड़ दीजिए, जिनकी 700 पीढ़ियों ने कहीं कोई और मिट्टी नहीं देखी, उसको आज तुम घुसपैठिया बोलते हो। और चुनाव आयोग चुपचाप बैठा है। चुनाव आयोग नोटिस मोदी जी को नहीं देता, जेपी नड्डा को नोटिस देता। किसी का नाम छोड़ गया, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एक और बात
दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय फाइन आर्ट डिजाइनर एक्सक्लूसिव फॉर सूट्स शेरवानीज अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर मेंस किड्स फॉर रिसेप्शन मैरिज एंगेजमेंट एथनिक वेयर्स पार्टीज फेयरवेल एंड मच मोर फर्स्ट ब्रांच एट तिमापुरी चौक गुलबर्गा सेकंड ब्रांच एट सुपर मार्केट गुलबर्गा